साकी पाड़ा में हम देखे बिरसा मुंडा जयंती। बिरसा मुंडा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और हमारे सामने में यहाँ के जो मुख्य अतिथि सबसे आ चुके हैं कई लोग, आइए मिलेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम सर? मेरा नाम मात्रा सिद्धा। जी सर, आज जो सर बिरसा मुंडा जयंती मनाया जा रहा, पूरा भारत में मनाया जा रहा है, आप साकीपाड़ा में या संबलपुर में, इसके बारे में बताएंगे? बिरसा मुंडा जयंती कल था, तो बीते कल था 15 नवंबर को, और हम लोग भी बिरसा मुंडा का मूर्ति में मला विवाह दिए थे, लेकिन वो बारिश का कारण में हम लोग का जो पड़ा का त्यौहार है उसको आज मना रहे हैं। तो दुनिया जानते हैं बिरसा, दुनिया तो नहीं, हम लोग का देश में, सारा देश में हम सबको जानते हैं बिरसा मुंडा एक महान व्यक्ति थे, स्वतंत्रता संग्रामी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। हाँ, फ्रीडम फाइटर थे, और हम लोग का विशेष करके हम लोग का मुंडा जात के लिए, हम लोग का आदिवासी जात के लिए बहुत महान व्यक्तित्व थे। हम उसको जाति अबा का नाम भी जानते हैं, और हम लोग का देश के लिए, हम लोग का देश को बचाने के लिए, हम लोग का जात को बचाने के लिए वो अपने जान दे दिए, लेकिन आखिरी तक वो फाइट करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपका अवदान यहाँ पर बहुत है। यहाँ के लोग कहते हैं सर ने बहुत काम किया, हमारा स्टेज बनाया, कई कार्यक्रम किए और हमारा मोहल्ला के लिए बहुत काम किया और आगे भी करते रहेंगे, ये उनके आप पर बहुत भरोसा है। दुनिया में सबको जानते हैं एकता ही शक्ति है, तो एकता के लिए हम लोग जितना हो सकता है, हम लोग का जितना, हम लोग सही पड़ा के जितना आदिवासी भाई लोग हैं सबको एकजुट करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ भगत जी, भगत जी भी एक समाज सेवी है, सोशल वर्कर। तो सर भगत जी, आज जो बिरसा मुंडा जयंती में आप भी गेस्ट हैं, तो इसके बारे में बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो आबा बिरसा मुंडा है, उन्होंने आदिवासी समाज के लिए, उनको एकजुट करने के लिए, अंग्रेज़ों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे उस टाइम, जो शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने एक जंग लड़ी और आदिवासियों को सुसंगठित किया, इसलिए उनका नाम आबा बिरसा मुंडा, आबा धरती पुरुष ये पड़ा। आज भी उनके नाम से कई जो झारखंड है वहाँ पे उनका जन्म स्थान है खोटी, उनका जन्म स्थान हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और उनका मतलब एक तरीका था, वो आदिवासी समाज को एकजुट करके उन पर जो शोषण हो रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी इनसे सुना, हम देखते हैं उड़ीसा में बिरसा मुंडा का नाम बहुत है, चाहे सुंदरगढ़ जाइए, राउरकेला जाइए, कहीं भी जाइए, बिरसा मुंडा के नाम पर कई स्कूल, कॉलेज, चौक, रस्तों का भी नाम पड़ा है। आपकी आवाज़, संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।